नमस्कार दोस्तों, आरएस डिजाइनर स्टिचिंग में आप सभी का स्वागत है। तो आज के वीडियो में ब्लाउज का बैक नेक डिजाइन बनाना बताएंगे। तो देखिए, डीप नेक गले का डिजाइन है। शोल्डर इसका हमने 5.5 इंच लिया है, आर्महोल 6 इंच और गले की चौड़ाई 2.5 इंच ली है। और देखिए, गले की गहराई 9 इंच लेंगे। तो ये जो ब्लाउज बनाएंगे तो 32 इंच चेस्ट साइज का ब्लाउज है। और देखिए, इस तरह से गले का शेप दे दिया है। अब इसे यहाँ से कट कर लेना है। अब देखिए, कपड़े को भी अच्छे से मिलाकर कट कर लेना है। अब देखिए, इसको अस्तर पे ये जो यहाँ से कट किया है, इसको दूसरे कपड़े पर थोड़ा सा 1 इंच बढ़ाकर निकालना है। तो देखिए, हमने दूसरा कपड़ा ले लिया है और इस तरह 1/2 इंच बढ़ाकर इसे कट कर लेंगे। अब देखिए, कपड़े की सीधी साइड में इस तरह अस्तर को मिलाकर रख लेना है। और गले पर देखिए, जहाँ अच्छे से एक सिलाई लगा देनी है पूरे गले पर, और नीचे की साइड में भी साथ में ही लगा लेंगे। इसी तरह से दूसरे पार्ट पर भी लगा लेना है। अब देखिए, जो ज़्यादा कपड़ा है सिलाई के बाहर, उसे कट करना है, अस्तर के साइज का रखना है। उसके बाद छोटे छोटे पूरे गले पर कट लगा देना है। अब देखिए, इसको पलट लेना है। इसी तरह से दूसरा पार्ट भी पलट लेना है। उसके बाद देखिए, अच्छे से बनाकर पूरे गले पर सिलाई लगा देनी है। तो देखिए, दूसरा पार्ट भी तैयार हो गया है। अब देखिए, जो बीच का जो कट किया है उसको तैयार कर लेना है। तो ऊपर नीचे इस पर इस तरह से कपड़े की सीधी साइड में रखकर ऊपर की साइड में और नीचे की साइड में भी दोनों साइड सिलाई लगानी है। उसके बाद देखिए, जो ज़्यादा कपड़ा आएगा उसे कट करेंगे, अस्तर वाले कपड़े के साइज का ही रख लेना है। उसके बाद देखिए, इस तरह इसको पलट लेना है। अब दोनों साइड सिलाई लगा देंगे। अब देखिए, गले पर पाइपिंग बनानी है। तो देखिए, पाइपिंग के लिए इस तरह से हमने औरेबी पट्टी कट कर ली है, लगभग 1 इंच चौड़ी, 1 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा ही लेना है। और उसके बाद देखिए, एक साइड से इस पर मोड़ कर सिलाई लगा देंगे पाइपिंग पट्टी पर। अब इस पर पूरे पर पाइपिंग बना लेनी है।
तो देखिए हमने पाइपिंग बना ली है, जो दूसरा पार्ट है उस पर भी इसी तरह से पाइपिंग बना लेनी है। तो देखिए इस पर भी हमने पाइपिंग तैयार कर ली है। अब देखिए इस पर भी पाइपिंग बनानी है, ऊपर की साइड में और नीचे की साइड में। पहले देखिए इस पर डिजाइन बना लेंगे, उसके बाद डिजाइन बनाने के बाद इस पर पाइपिंग रखनी है। तो देखिए इस तरह से हमने रेड कलर का धागा लिया है और इस तरह से इस पर बराबर से सिलाइयाँ चलानी है। तो देखिए एक साइड में हम तीन बार सिलाई चलाएंगे तो अच्छे से सिलाई इस पर आ जाएगी। इसी तरह पूरे पर लगा लेनी है। अब देखिए इस साइड से तिरछी कट सिलाई डालनी है। तो देखिए एक बराबर से ही डालनी है, या तो आप बराबर से, अगर आपकी इस तरह से नहीं आ रही है तो पहले आप इस पर निशान रख सकते हैं, अच्छे से निशान बनाकर फिर बिल्कुल बराबर से एक एक लाइन पर तीन तीन सिलाइयाँ चलानी हैं। इसी तरह इस साइड भी पूरा कर लेंगे। तो देखिए अब ये बनके तैयार है, अब इस पर पाइपिंग बना लेनी है। अब देखिए जो कपड़ा लेंगे, जो गले का कट हुआ है, इसी के साइज से साइड वाला जो डिजाइन है उसे फिट करना है। तो ये कपड़ा इसी के नाप कर करेंगे तभी गला बिल्कुल परफेक्ट बैठेगा। तो देखिए इस तरह से जहाँ से इसे फिट करेंगे तो इस तरह निशान बना देंगे। अब देखिए दोनों पार्ट लेना है और जहाँ से निशान है अच्छे से मिलाकर इस तरह से इसको सेट कर देना है। अब देखिए डिजाइन बनाने के लिए इस तरह से सीधा कपड़ा कट कर लेना है। देखिए हमने इसकी चौड़ाई 3 इंच ली है और देखिए लंबाई थोड़ी सी ज़्यादा ही लेनी है। अब देखिए इसको पलट कर सीधा कर लेना है। तो इस तरह देखिए इसको पलट लिया है। अब इस पर इस तरह से सिलाई वाला पार्ट बीच में करते हुए प्रेस कर देना है। तो देखिए हमने प्रेस कर दिया है, पट्टी तैयार हो गई है। अब देखिए जो सिलाई वाला पार्ट है उसको अंदर की तरफ करेंगे और इस पर पूरे पर आधा आधा इंच की दूरी पर आधा आधा इंच का चुन्नर देते हुए सेट कर लेना है अच्छे से। तो ये डिजाइन बिल्कुल बराबर से एक साइज की बनानी है, तभी डिजाइन अच्छे से एक साइज की बनती है। इसी तरह देखिए दूसरी साइड भी बनाना है। तो देखिए हमने दूसरी साइड भी बना लिया है। अब देखिए इन डिजाइनों पर पूरे पर एक एक मोती लगा देनी है पहले। तो देखिए हम यहाँ पर रेड कलर की मोती लेंगे, आप अपनी मैचिंग के हिसाब से मोतियाँ ले सकते हैं। तो इस तरह पूरे पर एक एक मोती लगानी है हर डिजाइन पर।
तो इस तरह देखिए पूरे पर मोतियाँ लगा दी है। देखिए जो इस पर डिजाइन बनाई है उसको, उस पर भी मोती लगानी है। तो देखिए जहाँ से चुनर दी है तो पहले पकड़ कर इसको सिलाई लगानी है, और अच्छे से सिलाई लगाने के बाद इस पर वहीं पर एक मोती लगा देनी है। तो यहाँ पर देखिए हम गोल्डन मोती लगाएंगे इस पर। इसी तरह से पूरी डिजाइन पूरा करना है, जहाँ पर चुनर दी है दोनों साइड पकड़ना है और सिलाई लगाना है अच्छे से, फिर एक मोती लगा देना है। इसी तरह से पूरी डिजाइन दोनों साइड की बना लेना है। तो देखिए हमने पूरी डिजाइन तैयार कर ली है, बाद में इसका हम प्लेट बना देंगे। तो डिजाइन बनके तैयार है। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।